हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो पैटर्न लेके आई हूँ बहुत खूबसूरत पैटर्न है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें 19 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, 19-19 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए और प्लस कर लेंगे 4 तो डिज़ाइन हमारा एकदम सेट हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिज़ाइन। तो अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो सब भी इंजॉय कर सकें। तो आइए बना के बताते हैं कैसे बना है ये डिज़ाइन। यहाँ फ्रेंड्स मैंने 23 फंदे बना डाल लिए हैं, 19 का मल्टीपल करके प्लस 4 करने हैं तो मैं एक ही डिज़ाइन आपको यहाँ पे बना के बता रही हूँ। तो 23 फंदे मैंने डाल लिए हैं। तो अभी जो मैं रो बना रही हूँ ये एक बेसिक रो है, ये एक ही बार बनेगी। तो देखिएगा कैसे बनेगी। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। ये देखिए फ्रेंड्स, दो फंदे हमने जो उल्टे बनाए हैं ये डिस्टेंस के लिए हैं, आप इसमें ज़्यादा फंदे भी रख सकते हो, तो मैंने दो ही रखे हैं। दो फंदे डिस्टेंस के हैं, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, 17 फंदे मैंने सीधे रखे हैं, इस पर डिज़ाइन आएगा। तो ये दो फंदे फिर डिस्टेंस के लिए हैं, एक ये इधर रखा है सीधा फंदा, एक इस तरफ रखा है, तो ये स्टिच हैं। ये 17 और 2 19, इस तरह 19-19 का करते जाएंगे आप, तो बाद में दो फंदे डिस्टेंस के लिए और दो स्टिच, यानी कि 4 फंदे प्लस करेंगे तो डिज़ाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ दो फंदे उल्टे बना लिए, एक फंदा सीधा स्टिच। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। फ्रेंड्स, ये उल्टी सिलाई है, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है। ये दो सिलाइयाँ फ्रेंड्स हमारी बेसिक हैं, ये एक ही बार बनेंगी, दोबारा दोबारा इसको नहीं बनाना। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप कर करके देखेंगे तो आपको अच्छे से डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं होती मेरे, इसीलिए मैं बॉर्डर वगैरह पहले बना लेती हूँ अगर कोई वीडियो लंबी होती है तो। तो अब फ्रेंड्स इस पर डिज़ाइन शुरू करना है हमने। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे लेने हैं हमने, तो इनका हमने केबल मोड़ना है किस तरह से। ये छः फंदे उतार देंगे सिलाई से, आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा सिलाई की मदद ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि फंदे गिर ना जाएं तो आप एक एक्स्ट्रा सिलाई की मदद लेके इस तरह से इसको पलट लीजिए, अंदर वाले फंदे बाहर आ जाएंगे और ये 6 फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब
ये छह फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब एक फंदा और सीधा बना लेंगे। इसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक ये फंदा एक ये फंदा, दो फंदे लेंगे, ऐसे पलट लेंगे तो इसको दूसरी सिलाई पे चढ़ाएंगे, एक फंदा और इधर से लेंगे और तीन का एक कर देंगे जाली डालते हुए। और एक जाली यहाँ अपनी तरफ करना है धागे को और एक जाली हमने यहाँ बना देनी है। ये देखिए केबल के बाद एक दो तीन चार पांच फंदे बीच में है हमारे पास। इसके बाद फिर से हमने केबल बनाना है यहाँ पे छह फंदों का, तो ये छह फंदे उतार लेंगे, पीछे वाले फंदे अंदर ले आएंगे पीछे से और आगे वाले फंदे हम बाहर ले जाएंगे फ्रंट साइड से ऐसे, और छह फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। अब एक फंदा बना लेंगे लास्ट वाला एज स्टिच सीधा। नेक्स्ट रो पे आ गए, तो नेक्स्ट रो पे जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बना लेना है। ये दो फंदे हमारे जो उल्टे हैं ये इस तरफ से सीधे आएंगे, बाकी फंदे उल्टे उल्टे आ जाएंगे जो डिज़ाइन के फंदे हैं। ये 17 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं बीच में। धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये दो फंदे उल्टे हैं इनको सीधा बना लेंगे इस तरफ। ये देखिए हमारी फर्स्ट दो रो बन गई हैं डिज़ाइन की। तो नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, दो फंदे बनाएंगे उल्टे, ये फंदे हमारे डिस्टेंस वाले उल्टे चलते रहेंगे। अब ये छह फंदों का केबल बनाया था तो इनको हमने सीधा सीधा बना लेना है। अब ये फंदा है जो ये फंदा और एक केबल का फंदा, दो फंदे लेंगे, दो का एक कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे तो ये जाली के साथ एक जाली और बन जाएगी। बीच वाला फंदा सीधा बनाएंगे, ये जाली वाला फंदा इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा हमने पलट लेना है, एक फंदा इधर से लेना है, दो का एक कर लेना है और बाकी फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये दो फंदे उल्टे और धागा दूसरी तरफ और एक फंदा सीधा। नेक्स्ट रो पे आ गया, नेक्स्ट रो में उल्टी सिलाई में फ्रेंड्स जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाते चले जाना है। दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब देखिए फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ये वाले फंदे हमने सीधे बुनने हैं चार। ये चार फंदे सीधे बुनने के बाद ये दो फंदे, ये जाली से इस तरफ दो फंदे हैं जो दो का एक करना है, फिर यहाँ पे जाली बनानी है और बीच वाले फंदे हमने दोनों जालियों के बीच में जो फंदे आएंगे उनको सीधा सीधा बना लेना है।
अब यहाँ आ गए हैं तो धागा अपनी तरफ करना है, ये फंदा पलट के यहाँ पे जाली बनानी। उल्टी सिलाई हमारी एज इट इज। अब देखिए जाली से अगर दो फंदे हैं तो दो का एक करना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ जाली बनाएंगे, बीच वाले फंदे सारे सीधे सीधे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ ये जाली वाला फंदा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, पलट के दो का एक करेंगे जाली बनाते हुए। यहाँ फ्रेंड्स हमारी चार जालियाँ हो गई हैं तो ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करना है बता देती हूँ आपको। दो फंदे उल्टे, यहाँ फिर से हमने केबल मोड़ना है तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः फंदे लेने हैं। और इनको पलटना है हमने, अंदर वाले फंदे बाहर लेके आने। इनको सीधा सीधा बना लेंगे जैसे हमने पहले केबल बनाया है उसी तरह से। अब एक फंदा हमने और सीधा बना लेना है केबल के बाद, धागा अपनी तरफ करना है। ये देखिए एक और दो, ये दो फंदे लेंगे, इनको पलट लेंगे ऐसे, इनको इस तरह से पलट लेना। एक फंदा और लेंगे यहाँ से, तीन का एक करना है जाली डालते हुए, एक जाली इधर और एक जाली हमने बनानी है इस तरफ। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः फंदे बचे हैं हमारे पास, तो यहाँ केबल बनाना है हमने। बाहर वाले फंदे अंदर लेके आएंगे बैक साइड से और फ्रंट साइड से अंदर वाले फंदे बाहर लेके जाएंगे।
यहाँ हमारा दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है। दो फंदे उल्टे, स्टिच सीधा। ये देखिए यहाँ से हमारा दूसरा डिज़ाइन स्टार्ट हो गया। बहुत सुंदर डिज़ाइन है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने बना के रखा है आपको दिखाने के लिए कि कैसा बनता है। दोनों ही कलर में देखिए बहुत प्यारा दिख रहा है। अब आप बनाइए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।